पुडिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे और चेक करेंगे ये कैसी बनी है। बहुत ईजी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें। टेस्टी। अस्सलाम वालेकुम, इजी कुकिंग में वेलकम। तो जी आज बनने जा रही है बटर स्कॉच पुडिंग, चलिए जी बनाते हैं। पैन हमने चूल्हे पे रखा है, इसमें डालेंगे हम एक छोटा कप चीनी का। इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे चीनी को। अब हम बादाम काट लेंगे, बादाम कटिंग हो गए हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे और प्लेट को हम ग्रीस करेंगे। जी तो चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसको डालेंगे चीनी, हाफ़ चीनी जो मेल्ट हुई है उसको प्लेट में डालेंगे, हाफ़ हम फ्राई पैन में रहने देंगे। कटे हुए बादाम इसके ऊपर डालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो हाफ़ कैरेमल फ्राई पैन में छोड़ा है हमने, उसमें हम क्रीम ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। क्रीम डालने से अगर ये जम जाती है तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, क्योंकि ये हल्की आंच पे खुद ही से मेल्ट हो जाएगी, अच्छी सी कैरेमल सॉस तैयार हो जाएगी। अब हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड की साइडों से हम कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कैरेमल सॉस बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। अब हम एक स्लाइस लेंगे, उसको कैरेमल सॉस में डिप करेंगे और बाउल में डाल देंगे। सब स्लाइस को हम बारी बारी डिप करेंगे सॉस में और बाउल में सेट कर देंगे। अब क्रीम लेंगे, क्रीम को ब्रेड के ऊपर डालेंगे। मैंने क्रीम दो पैकेट लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक आप क्रीम ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को क्रीम ज़्यादा पसंद। अच्छे से सारी क्रीम को हम फैला देंगे और जो कैरेमल बच गई है सॉस, उसको हम इसमें डाल देंगे बाउल में और उसको टूथपिक की मदद से डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब इस बाउल को हम फ्रिज में रख देंगे। ये बटर स्कॉच ठंडी हो गई है, अब हम इसके पीस करेंगे और सिलबट्टे पे इसको हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे इसके। इसको फ्रिज में से निकाल लिया है हमने और इसके ऊपर गार्निश करेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिन्होंने लाइक कर लिया है मेरे चैनल को, उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। गार्निश हमने कर लिया, अब इसको फ्रिज में रखें और ठंडा करके खाएँ। अगली वीडियो में हाजिर होंगे इंशाल्लाह।